Hello student, myself Usha Mimani. I will teach you science subject for class 7. 7 में हम chapter पढ़ेंगे third, जिसका नाम है natural fibers. आपको पता है fibers क्या होते हैं? जो कपड़े के जो हमारे जो कपड़े का जो raw material होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? Fibers बोलते हैं. तो अब इस हम इस chapter में क्या-क्या पढ़ेंगे? Fiber and fabrics के बारे में, silk के बारे में और wool के बारे में. तो अब हम पढ़ेंगे फाइबर एंड फैब्रिक्स. आपने पुरानी क्लासेस में नेचुरल फाइबर्स पढ़ा है, जो कि हमको कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं. जैसे कॉटन हुआ, जूट हुआ, ये हमको कहाँ से मिलता है? नेचर में से मिलता है. कहाँ से मिलता है हमको? नेचर में से मिलता है. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कहाँ से आया है? वूल एंड सिल्क, जो हमको नेचर से प्रोवाइड है. क्या नेचर से प्रोवाइड है हमको? वूल और सिल्क भी नेचर से प्रोवाइड है. ऑल ऑफ अस मस्ट बी नोइंग दैट दिस एनिमल आर मोस्टली फ्रॉम द शिप. अब हमको जो वूल से जो एनिमल फाइबर से वो कहाँ से मिलता है हमको? शिप से मिलता है, या तो फिर सिल्क वॉर्म से मिलता है. दिस नेचुरल प्रोडक्ट आर यूज टू मेक अ वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स. अब ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, हम इसको कायम यूज़ करते हैं बहुत सारे फैब्रिक्स, मतलब बहुत सारे कपड़ों के मटेरियल में यूज़ करते हैं. व्हेन यू टच दिस फैब्रिक्स यू फील कैन दिस टेक्सचर आर नॉट दे डिफरेंट. आपके आप क्या होता है, हर जो हमारा फैब्रिक रहता है, हर जो कपड़ा रहता है, वो क्या रहता है? अलग अलग रहता है. हम लोग जो कपड़े भी हैं वो भी अलग अलग पहनते हैं. अगर हम लोग किसी की शादी या पार्टी में जा रहे हैं तो हम कपड़े अलग पहनेंगे, हम घर में कपड़े अलग पहनेंगे, या कोई दिवाली आ रही है या जो भी फंक्शंस आ रहे हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग कपड़े पहनेंगे. दीज फाइबर्स आर आदर कंटिन्यूस फिलामेंट्स और लॉन्ग थ्रेड पीसेस. ये कायम में रहते हैं, लंबे लंबे थ्रेड में, लंबे लंबे रेशियोज में रहते हैं. आप ये देखिए, ये जो गॉट है इसमें से हमको क्या मिलता है? वूल मिलता है. जो इनके जो फर रहते हैं वो काय के लिए काम आते हैं? हमारे वूल्स के लिए काम आते हैं. और ये देखिए, ये जो यार के इसके जो रहते हैं, इसके भी हम लोग काय से मिलते हैं? हमको जो रेशेस रहते हैं वो काय में काम आते हैं, कपड़े बनाने में काम आते हैं. अब हमारा टॉपिक क्या आ रहा है? वूल. तो वूल क्या होता है? तो वूल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अंडर हेयर ऑफ दोज एनिमल्स हैरी स्किन. अब जो वूल्स है वो कहाँ से प्रिपेयर होती है? ऐसे एनिमल्स जिनके जो हेयर्स रहते हैं वो काफ़ी हैवी रहते हैं, उनकी काफ़ी मतलब जो स्किन्स रहती है वो उनके स्किन्स पे काफ़ी सारे हेयर्स रहते हैं. अब हम पढ़ेंगे वूल यील्डिंग एनिमल्स. अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमको वूल मिलता है? तो हमको सबसे ज़्यादा वूल कहाँ से मिलता है? शिप से मिलता है. अब शिप कहाँ पर पाई जाती है इंडिया में? रामपुर में पाई जाती है, बुसेर में पाई जाती है, नाली में पाई जाती है, लोही में पाई जाती है. और हम देखा जाए तो हमको जो एक एंगोरा जो गॉट है, जिसका मैंने आपको पिक्चर बताया था, उसमें से भी हमको वूल्स मिलते हैं. अब रियरिंग ऑफ शिप, अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? रियरिंग ऑफ शिप, मतलब शिप को पालना. शिप कहाँ पर मिले जाते हैं? सबसे ज़्यादा माउंटेन और डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करते हैं, तो वहाँ पर उनको खाने को ज़्यादा मिलता है. जो चारा रहता है, फॉडर मतलब क्या होता है? चारा होता है, जो हमको उनको बहुत जगह से वहाँ बहुत ज़्यादा ही मिलता है. देयरफॉर फ्लैक्स ऑफ द शिप मे बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू टेक एडवांटेज ऑफ चीप फीड्स एंड नेचुरल फॉडर फॉरेज. अब ये क्या करते हैं, जो शिप से वो एक जगह टिकते नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं. वहाँ से वहाँ घूमने का इनका कारण क्या होता है कि वहाँ उनको जो है फॉडर मतलब जो चारा है वो अच्छा मिलता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे. तो ये जो शिप है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में पाई जाती है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में पाई जाती है. शिप आर जनरली पैक एनिमल्स दैट मे बी वाइल्ड और डोमेस्टिक. जो शिप होती है दो तरह की होती है, एक तो वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली होती है जिसको हम पाल नहीं सकते हैं, और एक होती है डोमेस्टिक जिनको हम घर में भी पाल सकते हैं. ठीक है, एसिन मोलिफेन अमेरिकन बिगहॉर्न थिन होम एंड स्नो शिप कैनेडियन डॉल शिप. अभी बहुत सारे जो शिप्स के नाम रखे हैं वो मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारी शिप्स होती है जिससे हमको क्या मिलता है?
वूल मिलता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वूल। प्रोसेसिंग ऑफ वूल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा शेयरिंग आता है, देन क्लीनिंग आएगा, देन कार्डिंग आएगा और देन डाइंग आएगा। तो हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेयरिंग। तो शेयरिंग में क्या करते हैं, नॉर्मली जो शिप रहती है ना, जो शिप के ऊपर के बाल होते हैं उनको वो लोग निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। और ये कब किया जाता है, या तो स्प्रिंग सीजन में किया जाता है या तो फिर समर मतलब गर्मी की शुरुआत सीजन में ये किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्लीनिंग। तो ये जब जब ये लोग है ना, जो उनके बाल निकालते हैं, फ्लिंस मतलब क्या बोलते हैं, जो बाल निकालते हैं, तो बाल काफ़ी क्या होते हैं, या तो डर्टी रहते हैं या तो फिर वो ग्रीसी ग्रीसी मतलब ऑयली टाइप रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, पानी से साफ़ करेंगे या तो फिर कोई साबुन से वो उनको साफ़ करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्कॉरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्कॉरिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्डिंग। जब ये हमारी सारी वॉश जाती है, सारी जो हमारी वूल रहती है वॉश जाती है, तो वो कहाँ जाती है, मशीन्स में जाती है, ताकि वो क्या हो जाती है, एक शीट मतलब लंबे शीट्स में बन जाए। ठीक है, अब आएगा डाइंग। देन जब उसके बाद क्या होता है, जब ये कार्डिंग मशीन में से शीट के रूप में आ जाती है, तब हम ये अलग करते हैं, बहुत सारे कलर्स में करते हैं। आप देखते हैं ना, जो ऊन होती है बहुत सारे कलर में होती है, वाइट में होती है, ब्लैक में होती है, रेड में होती है, ग्रीन में होती है। तो ये क्यों होती है, जो ये कार्डिंग के बाद कौन से प्रोसेस करते हैं, डाइंग की प्रोसेस करते हैं। अब हमारा आ रहा है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, जो जो हमारे पास यार्न मतलब जो हमारे पास वूल के जो लंबे लंबे रेशेस रस्सी के रूप में है, अब वे लोग क्या करते हैं, इनको कायमे बनाते हैं। स्वेटर्स में बुनने के लिए क्या करते हैं वो लोग, स्पून मतलब क्या करते हैं, उसको गोल गोल गट्टों में लपेट देते हैं। आपने देखा होगा ना, जो वूल्स रहती है, जब मम्मी हमारे लिए लेके आती है स्वेटर बुनने के लिए, तो कैसे वो गोल गोल रोल में लपेटी हुई रहती है। तो स्पिनिंग में क्या होता है, जो उनकी यार्न रहती है वो कायमे कंप्लीट कर देते हैं, उनको गोल गोल लपेटों में वो लोग कर लेते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वूल। तो टाइप्स ऑफ वूल में फर्स्ट आती है वरिस्ट वूल, मतलब जो ढंग की वूल नहीं होती है। सेकंड आता है वूलन सिस्टम। वरिस्ट सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, वरिस्ट सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जैसे कि जो लंबे लंबे धागे होते हैं वो तो लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो जो आधे कटे हुए धागे रहते हैं वो लोग उसको यूज़ नहीं करते। मतलब इसके अंदर क्या होता है, हमारी वूल वेस्ट जाती है। लेकिन वूलन सिस्टम में क्या होता है, जो लंबे धागे होते हैं और छोटे धागे होते हैं, दोनों को वो लोग मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स ऑफ वूल इंडस्ट्रीज। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स ऑफ वूल इंडस्ट्रीज मतलब जो ऑक्यूपेशन में वूल इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम वो लोग सेव करते हैं, जो मेनी जो लोग से वो लोग काम में करे हुए हैं, हमारे वूल इंडस्ट्रीज में करे हुए लोग रहते हैं। लेकिन जब वो वूल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनको बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं या बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टर डिसीजेस। जो लोग उसमें काम करते हैं उनको एक क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। अब वूल का कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, जो आपने देखे होंगे याक्स जो रहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 29% ऑफ द टोटल वूल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। हमारे जो पूरे वर्ल्ड में इसका वूल का प्रोडक्शन होता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा भाग रहता है। कितना भाग रहता है, 29% रहता है। अदर मेजर वूल प्रोड्यूसिंग कहाँ कहाँ होती है, रशिया में भी हो जाएगी, न्यूजीलैंड में भी होती है, देन चाइना में भी होएगा, और अर्जेंटा में भी होता है, और इंडिया में भी क्या होती है, कहाँ पे होती है, जहाँ हिमालय है वहाँ होती है, जम्मू एंड कश्मीर में होएगी, हिमाचल प्रदेश में होएगी, उत्तराखंड में होएगी, हरियाणा में होएगी, और कुछ कुछ राजस्थान और गुजरात के पार्ट से वहाँ पर भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिल्क। हमने वूल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिल्क। तो जो सिल्क है, इसको क्या माना जाता है, क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स मतलब रानी है। किसकी, हमारी इंडस्ट्रीज की रानी माना जाती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन फाइबर पाया जाता है। तो ये फाइबर कहाँ से आता है, सिल्क फॉर्म से आता है। कहाँ से आता है, सिल्क वॉर्म से आता है। तो ये जो सिल्क वॉर्म है, इसमें क्या, इसकी क्या प्रोसीजर होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बॉम्बेक्स मारी
बींग द मोस्ट वाइड स्प्रेड, सबसे ज़्यादा कौन सा सिल्क चलता है? बॉम्बेक्स मारी नाम का जो सिल्क है वो सबसे ज़्यादा चलता है, जिसको हम सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग क्या होगा, जब हम सिल्क निकालेंगे किस में से, सिल्क वॉर्म में से, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेरिकल्चर या सिल्क फार्मिंग बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज रिकॉर्ड, अगर हम चाइनीज के रिकॉर्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो द डिस्कवरी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन ऑकर्ड इन अबाउट 2700 BC, तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिल्क का प्रोडक्शन कब हुआ था, 2700 BC में हुआ था। चाइन टुडे चाइना एंड द जापान आर द टू मेन प्रोड्यूसर, तो चाइना और जापान है वो कहाँ के टू मेन प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने 50% सिल्क प्रोडक्शन किया है हमारे पूरे वर्ल्ड में। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ सिल्क, तो सोर्सेज ऑफ सिल्क कौन कौन से हैं, तो द बेस्ट क्वालिटी सिल्क ऑब्टेंड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क माउथ, जो हमको बेस्ट क्वालिटी है वो सिल्क की वो कहाँ से मिलती है, कोकून से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कोकून से मिलेगी। बॉम्बेक्स मोरी द कैटरपिलर फीड्स द लीव्स ऑन द मलबरी ट्री, ऐसा कहा जाता है जो छोटी सी कैटरपिलर होती है वो मलबरी ट्री मतलब मखमल के पेड़ को खाती है, तो अभी तो उसी से क्या निकलता है हमारा सिल्क, हमको उससे मिलता है। दिस वेराइटी ऑफ मोथ इज कल्टिवेटेड इन चाइना, कहाँ पे बनाई जाती है, चाइना में होती है मोस्टली, और माउंटेनस रीजन ऑफ नॉर्थन इंडिया। वाइल्ड सिल्क कॉल्ड टेसर, अब कुछ जो सिल्क होती है वो जंगली भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेसर्स बोलते हैं। मूगा सिल्क इज ऑब्टेंड फ्रॉम अनदर वाइल्ड वेराइटी, जो मूगा है वो भी एक क्या है, जंगली वेराइटी है, कहाँ से मिलती है, सिल्क से मिलती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क, अब हम क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, अधिकतर एग्जाम्स में आता है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले लाइफ सिल्क को, हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं नॉर्मल क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म रहती है फीमेल, एक फीमेल मोथ रहती है वही सिर्फ अंडे को देती है, वो क्या करती है 300 से 400 अंडे देती है एक साथ, कहाँ पर देती है, मलबरी लीव्स मतलब मखमल के पेड़ पर देती है। अब वो क्या करता है, दीज एग्स आर स्टोर्ड इन द कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, वो वहाँ पर रहते हैं और जब वो धीरे धीरे गर्मी का समय आने लग जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, अंडों में से बाहर निकालते हैं और मलबरी लीव्स को खाने लगते हैं। जब वो धीरे धीरे मलबरी लीव्स को खाना स्टार्ट करते हैं, वो दिन को भी खाते हैं रात को भी खाना स्टार्ट कर देते हैं मलबरी लीव्स को, जब 35 डेज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं 10,000 गुना 10,000 गुना वो लोग हैवी हो जाते हैं, और फिर क्या होता है उसमें से एक स्किन निकलती है, शेड्स होती है। व्हेन द वॉर्म स्टॉप चीटिंग एचेस पीस ऑफ स्टोरेज द कल्टीवेशन ट्रेस द आर नोन एज अ रेडी टू स्पिन अ सिल्क कोकून, जब क्या होता है जब वो खा कर खाना स्टार्ट करती, जब वो बहुत हैवी हो जाती है तो वो इस टाइप की वो अपने आप को पैक कर लेती है, देखिए कॉटन के अंदर क्या कर लेती है, वो उसमें से रेशेस निकलते हैं जिससे वो खाना स्टार्ट करती है ना सिल्क वॉर्म, तो क्या करती है पीछे से उसके रैशेस निकलते हैं, वाइट वाइट रैशेस निकलना शुरू होते हैं, और फिर देन वो क्या करती है अपने आप को उसमें कवर कर लेती है, उसको हम बोलते हैं प्यूपा और कुकून। जब वो कुछ टाइम बाद उसके अंदर ही वो क्या रहती है, उसके अंदर ही सिलेक्ट रहती है, उसके अंदर ही रहती है, और जब वो धीरे धीरे बाहर निकलती है तो किस शेप में निकलती है, सिल्क मॉथ के शेप्स में निकलती है। तो सो स्टूडेंट सिल्क वॉर्म की क्या होती है, जो एक फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या करती है 300 से 400 eggs देती है, देन वो क्या करते हैं जब वो सर्दियों में देती है और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ता है तो वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, वो क्या करती है बच्चों, वो मलबरी लीव्स को खाने लग जाती है, और जब वो खाने दिन को भी खाती है रात को भी खाती है, और जब वो हैवी हो जाती हैं तो वो अपने आप को जो वो रैशेस छूटते हैं उसको कोकून के रूप में छुपा लेती है, और फिर धीरे धीरे वो क्या करती है उस कोकून में से बाहर निकलती है, तो वो काय के शेप में रहती है बटरफ्लाई, और वो अपना रैशेस वहीं छोड़ देती है, और उस रैशेस से हमको क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। तो अब जब हमको ये सिल्क मिलता है तो हम इसको अब डायरेक्ट तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो अब डायरेक्ट तो हम इसको यूज़ नहीं करते, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें से जो मोथ्स रहते हैं सिल्क मोथ रहता है उसको हमको उसमें मारने के लिए क्या करना पड़ता है,
उन कुकूस को हम क्या करना पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है गर्म पानी में, ताकि वहाँ पर वापस सिल्क वॉर्म ना हो सके और ये जो चेन रहेगी सिल्क वॉर्म की वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन हजार्ड ऑफ सिल्क इंडस्ट्रीज़। अब सिल्क इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, जब जब सिल्क इंडस्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं तो क्या होता है, जब वो सिल्क इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो जब सेरीकल्चर का टाइम आता है तो वो लोग, उनको क्या होता है, रेस्पिरेशन डिसीजेस हो जाते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, जिससे क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। कई बार उनकी जो स्मेल रहती है उसकी स्मेल से उन लोगों को हेडेक होने लग जाता है, फीवर्स होने लग जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शन्स हो जाते हैं, कभी कभी उनको बैक में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है बैठ बैठ कर। तो सो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, फाइबर्स के बारे में पढ़ा, फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा और मेन टॉपिक सिल्क के बारे में पढ़ा कि सिल्क हमको कैसे मिलता है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।